डाली दमाए हत्याकांड के 11 आरोपियों को भेजा जेल। बालाघाट जिले का सनसनीखेज डाली हत्याकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें विश्व हिंदू परिषद बालाघाट जिला अध्यक्ष सहित अन्य 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर की बब्बर सेना प्रमुख व पूर्व जिला पंचायत सदस्य डाली दमाहे की हत्याकांड मामले में पुलिस ने ग्रामीण थाना में अपराध क्रमांक 30/2022 धारा 147, 148, 307 के पश्चात 302 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया और 11 आरोपियों की पुलिस ने गिरफ्तारी कर सभी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि 28 फरवरी की शिवरात्रि की रात्रि में पूर्व जिला पंचायत सदस्य व बब्बर सेना प्रमुख डाली चंद्र उर्फ डाली दमाए कोसमी निवासी के गोंगलाई के घर में घुसकर चाकू, बेसबॉल बेट, लाठी और डंडे से जानलेवा हमला किया, जहां बुरी तरह से घायल हो गया और उपचार के दौरान गोंदिया में मौत हो गई। जहां पुलिस द्वारा जगन हत्याकांड का खुलासा करते हुए हत्याकांड का मुख्य आरोपी विश्व हिंदू परिषद बालाघाट जिला अध्यक्ष संजीव उर्फ भावू पिता राधेश्याम अग्रवाल उम्र 52 वर्षीय को 3 मार्च को तेलंगाना से गिरफ्तार कर बालाघाट जिला लाया गया, जहां बालाघाट न्यायालय में पेश कर 5 मार्च को जेल भेज दिया गया है। तो वहीं पुलिस द्वारा अन्य हत्याकांड मामले में 6 मार्च को अन्य 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें अविनाश पिता रमेश तिल्लारे गायकुरी निवासी, उमेश उर्फ बल्लू लक्ष्मीचंद बोरीकर गायकुरी निवासी, रियाज पिता लाल मोहम्मद गायकुरी निवासी, हेमंत उर्फ तूफान पिता भूमेश्वर रनगिरे कोशमी निवासी, वीरेंद्र उर्फ वीरू पिता फूलचंद सूर्यवंशी नर्मदा नगर भारत निवासी, महेश पिता गेंदलाल बिसेन गायकुरी निवासी, प्रथम पिता सुनील बैस नर्मदा नगर निवासी, संदीप पिता राम कुमार कावरे गायकुरी निवासी, उदय पिता यादव आमाडारे नर्मदा नगर निवासी और हर्ष पिता रवि बाघाड़े नर्मदा नगर निवासी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी भावू अग्रवाल के विरुद्ध जिले के अलग अलग थानों में हत्या का अपराध सहित 5 प्रकरण पंजीबद्ध हैं। इसी क्रम में आरोपी वीरेंद्र सूर्यवंशी के विरुद्ध भी अलग अलग थाने में हत्या का प्रयास, मारपीट सहित 15 से अधिक प्रकरण पंजीबद्ध हैं। लेकिन इन सभी के पश्चात भी लोधी समाज सहित अन्य समाज के द्वारा पुरजोर से एक और महामंत्री पर भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। एसपी के द्वारा बताया गया कि घटना कारित करते वक्त जो भी आरोपी थे उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। बालाघाट से ब्यूरो रिपोर्ट। पुलिस इस डॉली दमाहे मामले में जो घटना का मुख्य आरोपी है संजीव उर्फ भावू अग्रवाल, इसको कल हमने अरेस्ट करके न्यायालय में न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और लगातार संदिग्धों से पूछताछ जारी थी, जिसमें रात की दबिश पिछले 2 दिनों से जो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और सुबह और शाम तक लगातार जो दबिश पार्टियों द्वारा दी जा रही थी, तो उसमें कुल मिला के संजीव के अलावा 10 अन्य आरोपी हमने राउंडअप किए जो उस घटना में थे। 10 की गिरफ्तारी की प्रक्रिया अभी चल रही है थाने पे और संभवतः हम लोग आज इनको न्यायिक हिरासत में भेजेंगे। सर, और भी कुछ आरोपी इसमें और संदेह है क्या? और कुछ इन लोगों से जो पूछताछ हुई है मेरी, इन सभी से मैंने पर्सनली बात की है जो घटना में शामिल थे, तो इनके आधार पर जितने लोग थे मौके पे हमने लगभग सभी को राउंडअप कर लिया है। साक्ष्य जैसे जैसे आते जाएंगे और जिस तरह से हमें जानकारी मिलेगी कि और भी अगर अन्य लोग शामिल थे, तो सभी पे साक्ष्य के आधार पे हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर, किस संगठनों के द्वारा जिला बंद का भी आह्वान किया गया है इसी मामले के लिए? पुलिस तो इसमें पूरी तरह से सतर्क है, मुस्तैद है, अलग अलग जगहों पे हम लोग अपनी सजगता बनाए रखेंगे। 2-3 दिन पहले जो जिस तरह का उपद्रव किया गया है, तो उम्मीद करेंगे कि उन चीजों से समाज, शहर के लोग उस तरह का माहौल ना क्रिएट करें। और सभी लोगों से अपील है पुलिस की कि आप लोग शांति व्यवस्था बनाए रखने में बालाघाट पुलिस की का सहयोग करें। पुलिस अपनी कार्रवाई बिना किसी दबाव के और निष्पक्ष तरीके से कर रही है और साक्ष्य के आधार पे जो भी व्यक्ति इसमें शामिल होगा सभी पे उचित कार्रवाई की जाएगी। सर, 2 दिन पहले पुलिस के ऊपर भी हमला और वापस ग्रामीणों के द्वारा तोड़फोड़ भी की गई थी दुकानों में, सर उसमें भी कुछ कार्रवाई की गई? उसमें हमने अपराध पंजीबद्ध किया है और उसमें वीडियोग्राफी और अन्य जैसा हमारे पास रिकॉर्ड आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की।